हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कृष्ण कुमार यूपीएस अंतापुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। यह पाठ छठवीं क्लास के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करेगा नौवीं क्लास के लिए, सॉरी आठवीं क्लास के लिए, क्योंकि सातवीं क्लास का है तो ये दोनों को कवर करता है। और ओवरऑल यदि हम बात कहें तो यह क्लास पदार्थ की बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि पदार्थ किससे बना है, तत्व तो क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इसको कवर करेगा। तो अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, ये तो जो है पूरी रसायन विज्ञान में सामान्य सी बात है, तो ये हम इसको कैटेगराइज करें, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार। तो हालांकि जो मेन ये सब्जेक्ट होगा कक्षा सात के लिए UPSCERT की किताब, तो हम इसमें जो बात करेंगे वो यही है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें भी जो हम बात करेंगे वो है पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, अंतराण बल क्या होता है, और इसके आधार पर अंतराण के आधार पर भौतिक अवस्थाओं की हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। सर, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, किताब में बहुत ही साधारण शब्दों से और ऐसे भी साधारण तरह से समझाया जाता है कि पदार्थ हर एक वो चीज़ है, पदार्थ हर एक वो चीज़ है जो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है। लेकिन आपके किताब में, इस किताब में एक चीज़ जोड़ी गई है कि जिसको, और मतलब पदार्थ वह चीज़ है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे और जिसको हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकें। तो ये परिभाषा हो जाएगा कि पदार्थ हर एक वो चीज़ है जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और उसको, जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। तो अब हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हमारे पास है जो स्थान घेरती है, मतलब मान लीजिए ईंट स्थान घेरती है, प्रकाश वायु है ना, और हम इनको अपने ज्ञानेंद्रियों से छू करके आँख से, त्वचा से महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हम तो थोड़ा सा इसमें देखिए कि क्या ये सारे पदार्थ हैं। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इसमें सिर्फ प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो द्रव्यमान, मतलब कि पदार्थ नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि इसको हम, ये स्थान घेरती है, ये भी स्थान घेरता है, ये भी स्थान घेरता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान होता है, होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इसलिए क्योंकि इस स्थान तो घेरता है प्रकाश, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता है ना, इसलिए यह पदार्थ नहीं है। इसमें द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं, समय आपको कोई डाउट नहीं है कि वजन होता है या नहीं होता है।
लेकिन प्रकाश में आपको डाउट हो सकता है, तो एक काम इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप तराजू लीजिए, बैलेंस, और एक पर टॉर्च जला करके देखिए। यदि प्रकाश में जो वजन होगा तो एक नियमानुसार पलड़ा नीचे हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से हमें सिद्ध होता है कि प्रकाश में वजन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं पदार्थ ईंट है, वायु है, पानी है ना, हर एक वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ है। लेकिन प्रकाश स्थान तो घेरता है, तो संवेदन यानी कि हमारे ज्ञानेन्द्रिय आँख से हम देख भी सकते हैं, लेकिन वो पदार्थ नहीं है। तो मेरे अनुसार बेटर तो यही है, सिर्फ इतना ही कहना कि जो है कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो वह पदार्थ। ठीक, अब हम बात करते हैं पदार्थ कितने तरह के होते हैं। हमारा पहला हिस्सा हो गया है, दूसरा है पदार्थ कितने तरह के हो सकते हैं। तो पदार्थ का बंटवारा कई कई तरह से हो सकता है ना, आधारभूत गुण लेने के ऊपर है। तो हम शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर देखते हैं कि पदार्थ दो तरह के होते हैं। शुद्ध और अशुद्ध, यही फिर मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ दो तरह का होता है। शुद्ध पदार्थ वो है जो एक ही एक प्रकार के कणों से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं। मतलब कि इनको कई अन्य पदार्थों में, एक ही पदार्थ को कई अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैं यदि कहूँ चीनी, तो केवल उसमें चीनी हो, उसमें और चीनी के अलावा और किसी पदार्थ के कण न हो। इसी तरह से ये अशुद्ध या मिश्रण, सॉरी पहले इसी बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं। एक कहलाता है तत्व और ये कहलाता है यौगिक। यौगिक शुद्ध पदार्थ को प्योर कहते हैं, प्योर। ठीक, ये इम्प्योर हो गए या मिक्सर हो गए, मैं मिक्सर लिख रहा हूँ इस मिश्रण का। तत्व हो गए एलिमेंट, और यौगिक हो गए कंपाउंड। तत्व जो है सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, मतलब तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या कहेंगे इसमें, ये वास्तव में एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं। देखिए मैं परमाणु से मिलकर बना होता है वो है तत्व, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, पारा, लोहा, यानी कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सोडियम, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु। जबकि यौगिक में देखिए पानी, नमक, दो इसमें देख रहे हैं दो या दो से अधिक तरह के परमाणु हैं। चीनी, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीजें, ये हो गए यौगिक। यौगिक भी शुद्ध होते हैं, जैसे पानी, पानी में उस पानी में केवल पानी के कण होंगे और कुछ नहीं होगा, केवल पानी कण होंगे। नमक शुद्ध, नमक भी खाली नमक होगा, NaCl होगा और कुछ नहीं होगा।
ग्लूकोज, शुद्ध ग्लूकोज में कुछ नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं, ना नमक होगा, ना मिट्टी होगा, ना धूमकण होगा, और कुछ नहीं होगा, ना चीनी होगा, खाली उसी का होगा। ऐसे यौगिक कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ, यानी कि यौगिक की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि ऐसे शुद्ध यौगिक परिभाषा हम बात नहीं करेंगे, पहले अभी इसकी बात करते हैं। मिश्रण, मिश्रण भी होता है समांगी और विसमांगी, है ना। ये समांगी को हम होमोजीनस कहते हैं और ये हेटरोजीनस। होमोजीनियस मिक्सर, एक मिक्सर मतलब मिश्रण आप बनाइए, घोल दीजिए, चाहे इतना बढ़िया से मिला दीजिए कि कहीं दो चम्मच कहीं से भी उठाएं तो दोनों चम्मच में बराबर बराबर मात्राएं सबकी, जितने भी उसके अवयव हैं सब बराबर बराबर मिले, ऐसे समांगी मिश्रण कहलाएंगे। या कह लीजिए कि हवा की बात करते हैं, हवा क्या है, वायु एक मिश्रण है, कैसे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, और इनका जो अनुपात होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% या 21% अप्रॉक्सीमेटली, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। तो हम ये मिश्रण, ये वायु कहीं से भी लें, एक लीटर यहाँ से ले लें, एक लीटर कहीं और से ले लें, या कहीं और से ले लें, या अमेरिका से ले लें, या ब्रिटेन से ले लें, है ना, थोड़ा बहुत प्रदूषण के कारण फैक्टर छोड़ दिया जाए, तो हर जगह से जो मिक्सर आपने लिया है, हर जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का अनुपात यही होगा 21%, 78% और 0.003%, यही होगा। इसका मतलब कि आप हर जगह सेम अनुपात है वो मिश्रण में, वायु के मिश्रण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का, यानी कि कहीं से भी ले गए सारे हिस्से जो है बराबर हैं, समान है, इसलिए ये कहलाता है समांगी। विसमांगी क्या हुआ, विषम अंग, यदि एक मिश्रण लीजिए और उसके कई हिस्से लीजिए, दो चार चम्मच उठाइए और सब अलग अलग हो, उसमें मिश्रण के घटक जो है अलग अलग हो, समान नहीं हो, तो इसीलिए कहलाता है विषम अंगी। विषम मतलब असमान, अंग मतलब हिस्से, जिसके मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके कई हिस्से के हैं, हर एक मिश्रण, हर एक हिस्सा में मिश्रण के अवयव अलग अलग हों, वो विषम अंगी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी में बालू मिलाते हैं, खूब बढ़िया से हिला दिया, ठीक, अब ऊपर से एक चम्मच निकालिए और नीचे से एक चम्मच निकालिए, तो दोनों चम्मच में एक जो ऊपर से निकाला है उसमें पानी ज़्यादा होगा, बालू कम होगा, जो नीचे से निकाला है इसमें बालू ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, तो दोनों अंग बराबर नहीं हुए, इसलिए विषम कहलाएंगे, विषम अंगी कहलाएगा, जबकि समांगी में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या बात करते हैं, हर तत्व और यौगिक का समांगी विषमांगी का हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, तत्व यौगिक की परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये सातवीं क्लास के, छठवीं क्लास में भी, मुझे लगता है आठवीं क्लास में भी, तत्व यौगिक कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है। तत्व क्या होता है, तत्व शुद्ध पदार्थ, तो हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है वह तत्व कहलाता है। परिभाषा याद हुआ, बोलना क्या है सुनिए और इसे लिखने की कोशिश करिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए लिख नहीं रहा हूँ। तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं, याद रहेगा। तो इसको आप जो है रिवाइज करके, मतलब फिर वीडियो पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी तरह से यौगिक, वैसे सुनने से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, मैंने पहले कहा, मैंने जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। यौगिक क्या होगा, यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ, हाँ तो मैं यौगिक बोल रहा था, तो यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है
जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है, यानी कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात में जब ये मिल के रासायनिक संयोग करेंगे तो पानी का यौगिक बने, ये पानी बनेगा जबकि ये यौगिक है। इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में मिल करके रासायनिक संयोग करके सोडियम क्लोराइड एक यौगिक बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन रासायनिक संयोजन करके एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने के बाद यौगिक बनाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें ध्यान दीजिए, या इस तरह से एक चीज ये भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारे यौगिक, लेकिन जो तत्व होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही तत्व होगा। देखिए इसमें ये पानी, ये नमक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में निकलता है पचाने के लिए। पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोने का भुजा हुआ चूना, यानी कि चूने का पानी। तब तक बात करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, खाली ऑक्सीजन, खाली हाइड्रोजन, खाली सोडियम, केवल केशो और कुछ नहीं। तो ये हो गया तत्व। तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जबकि यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं और जो तो नया तरह का ये अणु बनाते हैं, जैसे कि यह है उस जिस भी पदार्थ का होगा उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं। ये मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो है तत्व और यौगिक बेटर ढंग से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें बात, एक बार 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 बोले परमाणु बोलता है या अणु बोलता है, तो फिर ये अणु परमाणु क्या है, तो फिर बात करते हैं आप अणु परमाणु के। तो वीडियो पॉज करिए, इसको दोबारा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो बात करते हैं परमाणु, और इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एटम। हिंदी में बात करते हैं परमाणु। देखिए बना है परम अणु, अणु से भी महान, अणु छोटा होता है उससे भी महानतम छोटा जो होगा परम वो कहलाएगा परमाणु। अंग्रेजी में एटम, ये एटम जो है दो अक्षरों को मिला के बना है, ए और टॉमी। ए का मतलब नहीं है, टॉमी मतलब काटना, काटने या तोड़ने की कहाँ से बटेंगे, काटना या तोड़ना। तो हम जरा इसकी बात करते हैं। पुराने समय में ज्ञान जब बहुत कम था और हमें नहीं पता था कि परमाणु कुछ होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कुछ होते हैं, तो उस समय जो है जो विचारक थे वो ये सोच रहे थे कि यार परमाणु पदार्थों को हम तोड़ते हैं, पटकते हैं या काटते हैं तो छोटे हो जाते हैं, तो कहाँ तक काट काट कर कहाँ छोटा, कहाँ तक किया जा सकता है छोटा। कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर परमाणु मतलब पदार्थ को और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब कि उस छोटे से छोटे पदार्थ कण जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है उसको उन्होंने परमाणु शब्द दिया, एटम शब्द बोला। तो इसका ये शब्द हो जाता है यहीं से एटम, ऐसा छोटा से छोटा कण जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता और छोटे कण में नहीं काटा जा सकता है उसको परमाणु कहते हैं। ये तो होगा एक पुरानी अवधारणा कि परमाणु क्या होता है। नई अवधारणा के अनुसार हमें जो है कुछ अन्य चीज़ें भी जो है नया ज्ञान आया, नई सब चीज़ें आई, हमें पता चला बाद में कि यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है वो परमाणु के अंदर होते हैं, तो हमने कुछ और परिभाषाएं दी। तो नया परिभाषा के अनुसार हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और इसे याद करिए, पहले सुन करके ही याद करने की कोशिश करके बाद में जब याद हो जाएगा तो लिख लीजिएगा, कि परमाणु पदार्थ का संरचनात्मक इकाई है क्योंकि इसी से रचना हुई है पदार्थ की। तो ये कहेंगे पदार्थ का परमाणु जो है संरचनात्मक की कही हुई, ये तो अलग बात हो गई। परिभाषा सुनिए कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। इस परिभाषा को फिर से सुनना है तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए।
यानी कि इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि जो परमाणु है अपने आप में स्वतंत्र नहीं रह सकता है। और यहाँ से आपको एक हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो, मैंने जब तत्व लिखा था तो तत्व में लिखा था H2O2N2 यानी कि ये जो परमाणु है वास्तव में ये अणु है, दो एक साथ हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ, दो ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ, दो नाइट्रोजन के परमाणु एक साथ, या यौगिक में लिखा था H2O। क्यों ये एक साथ जुड़ जा रहा है, रासायनिक संयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो आपको इस बात का दिमाग में रखना है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रह सकते और ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु में हम और थोड़ा सा, ये अगले क्लास के लिए हो सकता है, ये सातवीं क्लास का स्टैंडर्ड है, मैं आठवीं क्लास का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अभी से बता दे रहा हूँ कि परमाणु, बाद में जब ज्ञान बढ़ा तो ये पता चला कि नहीं, परमाणु भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि परमाणु स्वयं भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं अणु की। तो दो या दो से अधिक परमाणु, अभी बताया H2O2 H2O, ये सब क्या है, अणु वास्तव में। तो हम ये कहेंगे कि अणु की परिभाषा देंगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। फिर सुन लीजिए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जैसे H2O या H2N2, चलो ये N2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, N2 अर्थवान। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अणु किससे बना होता है, O3 मैं लिख रहा हूँ, P4 लिख रहा हूँ, S8 लिख रहा हूँ, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। ये तो तत्व हो गया, इन तत्व यौगिक से परिभाषा से हिसाब से देखें तो ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए, ये यौगिक, ये तत्व, ये यौगिक, है ना। लेकिन ये तत्व चाहे यौगिक जो भी हो, ये जो एक जो कण है, एक अपने आप में जो स्वतंत्र अवस्था में रह पा रहा है, ये अणु कहलाता है, पता था। और इस हर एक N2 में वो सारे गुण होंगे जो आपने नाइट्रोजन के गुण पढ़े हैं या जानते हैं, ऑक्सीजन में, O2 में वो सारे गुण होंगे जो ऑक्सीजन के गुण आपने आप जानते हैं कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, वो ये एक ही कण जो है ये इतना छोटा है लेकिन वो उसके ऑक्सीजन के सारे गुण होंगे। पानी है H2O में, एक ही कण है, एक ही अणु है, लेकिन इसमें पानी के सारे गुण विद्यमान होंगे। तो अणु को हम, ऐसा है कि आपने काफ़ी समझ लिया होगा। हाँ, ये मैं ये सब इसलिए लिखा कि जरूरी नहीं कि जो परमाणु अणु है वो दो ही परमाणु से मिल के बने, एक ही तरह, अलग अलग एक ही तरह के, या तीन भी परमाणु मिल सकते हैं, चार भी परमाणु मिल सकते हैं, अलग अलग केसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर से हमने दो देखा है, तीन देखा है, ऐसा देखिए परमाणु तत्व वाले स्पेसिस। ये तत्व के अणु कहलाएंगे, ये भी तत्व के ही अणु, ये यौगिक के अणु कहलाएंगे, है ना। यानी कि तत्व हो चाहे यौगिक हो, उसका जो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें जो पदार्थ के उसके जो गुण होते हैं वो है अणु, परमाणु नहीं। परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता। तो यदि आप कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझसे जो है मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वरना क्या मिलने पर पढ़ाएंगे क्लास में कोरोना के बाद। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास कौन सी हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा, इसलिए आगे जाता ही रहता है। तो बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये भी अपने आप में एक लंबा प्रक्रिया है, प्रक्रिया का लंबा टॉपिक हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए भी,
24 25 मिनट हो गए हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन हिस्से होते हैं, इसमें ठोस, द्रव, गैस। देखिए जो ठोस होता है इसकी आकृति, आकार निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठोस है। मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए भी। बच्चे आ गए थे इसलिए थोड़ा सा पॉज करना, वीडियो का वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो मैं बता रहा था कि ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है, निश्चित द्रव का आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का भी निश्चित नहीं होता। द्रव का हम ये कहेंगे ये बेटर निश्चित नहीं होता है, लेकिन वही होता है जो बर्तन का होता है। बर्तन जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन की आकृति आकार हो जाएगा। आयतन की बात करें, आयतन इसका निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है, इसका भी निश्चित नहीं होता है, या वही होता है जो बर्तन का होता है। बर्तन जिस बर्तन में गैस को रखेंगे उसी बर्तन का आयतन हो जाएगा। तो नहीं होंगे लिखेंगे अच्छा है बर्तन का लिखिए, गैस का आकार आयतन जो भी कहें जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन पर जाएगा। ओवरऑल हम ये कहें तो गैस हमेशा फैलती है। दो एक लीटर के वेसल में आपने जो गैस रखी है उसको दो लीटर के वेसल में रख दिया तो उसका आयतन 2 लीटर हो जाएगा। अच्छा आयतन हो गया, आकृति आकार हो गया, और क्या चीज बहने का गुण, ये ठोस नहीं बहते हैं, बहते नहीं, ये बहते हैं, ये भी बहते हैं। कठोरता, कठोर होते हैं, कठोर नहीं होते, बिल्कुल कठोर नहीं होते। तो परिभाषा कैसे लगेगी, पदार्थ की वह अवस्था, हम ऐसे बोलेंगे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था है ना, इसलिए हम सब भी बोलेंगे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था। ये सब पदार्थ की भौतिक अवस्था है, ध्यान रखिएगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। जैसे में लकड़ी, मेज, कुर्सी, ईंटा, पत्थर, लोहा, पेन, बोर्ड, द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, ध्यान रखिए बोलने का ढंग देख लीजिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, ऐसे भौतिक अवस्था को द्रव कहते हैं। और गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ की अवस्था को गैस कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ। द्रव में हमने देखा पानी, तेल, सामान्यतः पारा, ये सब द्रव है। तो अब हम बात करते हैं अंतरा अनुपर, जरा हम ठोस के कौन के व्यवस्था देखते हैं। ठोस में द्रव के कौन और गैस के कौन,
ध्यान दीजिएगा गैस के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। कोई सा भी कण, कोई सा भी जो है अणु हो, उनके बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है। सारे गैस के कण एक दूसरे को, सारे जो ठोस या गैस के जो परमाणु होते हैं, जो भी हैं, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। ये जो आकर्षण बल है इसी को कहते हैं अंतर अणु। ये हमेशा आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है। ये क्या है? आकर्षण बल है, हर एक कण को इससे चिपका के रखता है। तो यहाँ पर देखिए अंतराणु बल यहाँ पर ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में अपेक्षा के कम होता है, और गैसों में बहुत बहुत ज्यादा कम होता है अंतराणु बल। दूरी, कणों के मध्य की दूरी देखें तो ठोस में सबसे कम, द्रव में ज्यादा और गैसों में सबसे ज्यादा। तो कोई भी पदार्थ ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा, ये दो और एक दूसरे के विरोधी अपोजिट प्रकृति नेचर वाले कैरेक्टर पर निर्भर करते हैं। अब वो है एक तो अंतराणु बल जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, और एक जो जिसके बारे में मैं डिटेल बात नहीं करूँगा वो है थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कि अणुओं का आंतरिक ऊर्जा। जहां अंतराणु बल अणुओं को चिपकाने की कोशिश करता है, उनकी आंतरिक ऊर्जा दूर करने की कोशिश करती है। सामान्य ताप दाब पर जिस इन दो विरोधी ताकतों में जिस जो ज्यादा पावरफुल होगा उसी के अनुसार भौतिक अवस्था होगी। यानी सामान्य तापदा पर ऊर्जा, उनका आंतरिक ऊर्जा इतना ज़्यादा है कि जो है वो जो चिपकाने वाला गुण है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अणु दूर ही दूर रहेंगे और वो गैस अवस्था में रहेंगे। यदि सामान्य तापदा पर जो अंतराणु बल ज़्यादा है और आंतरिक ऊर्जा कम है तो वो चिपक के रहेंगे, यानी कि ठोस अवस्था में रहेंगे। और यदि बैलेंस है लगभग दोनों, तो ये हो गए द्रव। तो हम बात करते हैं अंतराणु बल के आधार पर भौतिक अवस्था की व्याख्या। हम यहाँ पर ये देखिए अंतराणु बल के आधार पर सिर्फ इसी का आधार पर हम उसके बात नहीं करेंगे, आंतरिक ऊर्जा की बात ही नहीं करेंगे, नाम भी नहीं लेंगे। और तो ये कहेंगे कि अंतराणु बल आकर्षण बल जब ज़्यादा होगा तो ठोस होगा, कम होगा बहुत ही नगण्य होगा, बिल्कुल लगभग ना के बराबर अंतराणु बल है, तो ऐसे में पदार्थ जो है गैस अवस्था में होंगे, और कुछ होगा ठोस से कम और गैस से ज़्यादा तब द्रव अवस्था में होंगे। तो ये रहा ठोस द्रव गैस किस आधार पर कि अंतराणु बल जो है उनके बीच में कितना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।